हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम 12 वोल्ट और 120 एम्पीयर आउटपुट प्राप्त करेंगे। इसके लिए हमको लगेगा एक यूपीएस का ट्रांसफार्मर। आप देख सकते हैं, पास से आप देख सकते हैं, ये क्लास बी का है और 130 डिग्री तक ये गर्म होता है, फिर भी कुछ नहीं होता। हमारे पास दो यूपीएस का ट्रांसफार्मर है, आप देख सकते हैं, ये दो यूपीएस का ट्रांसफार्मर है जो ख़राब यूपीएस से मैंने 50-50 रुपये में परचेज किया था। और देख सकते हैं इसमें ये जो चार वायर रहता है, ये जो चार वायर रहता है इसमें सबसे ज़्यादा होम ब्लैक और ग्रीन में रहता है, मतलब हमको ब्लैक और ग्रीन ही लेना है, बाकी को नचकार देना है तो कोई काम नहीं है। और हम इसको सीरीज में नहीं बल्कि पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, और कुछ इस तरीके से हम पार्लर में कनेक्ट कर लेंगे। गाइस, इधर एसी करंट सप्लाई है और इधर डीसी करंट है, यानी कि 12 वोल्ट एसी है, ये भी तो एसी वोल्ट देता है, लेकिन इधर 12 वोल्ट है और इधर 220 वोल्ट। ये दोनों का कोई मायने नहीं है गाइस, इसको ऐसे रख देंगे। और यहाँ पे हम 220 वोल्ट देंगे। गाइस, इसमें हम अच्छे से टेप लगा दे रहे हैं ताकि सुरक्षा से बच सके, मतलब सुरक्षा हो सके। क्योंकि ये 220 वोल्ट है, गाइस इसे खरीदने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जाकर वहां से परचेज कर सकते हैं। गाइस, ये जो है ब्रिज रेक्टिफायर है, आप इसे देख सकते हैं, इसमें लिखा है KBPC 3510, मतलब ये 35 एम्पियर का है। मैंने दो लिया है और इसे हिटसिंग से अच्छे तरीके से कस लिया है, फिट कर दिया गया है। गाइस, इसका वायरिंग बता दूं कि ये जो प्लस लिखा है ये 12 वोल्ट प्लस है, और जस्ट इसके अपोजिट साइड, मतलब कि इस साइड, यहाँ और यहाँ, ये दोनों ये प्लस है, ये माइनस है। और ये जो ट्रांसफार्मर का ये जो वायर है ट्रांसफार्मर का, ये आप इसमें कोई सा भी लगा सकते हैं, जैसे इस तरीके से ये और ये इसमें जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस, क्योंकि ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो एसी वोल्ट को डीसी में बदल के सही से शुद्ध फिल्टर करके प्लस माइनस देता है। गाइस, इसमें भी हम लगा ले रहे हैं। इसको हमने सीरीज में कनेक्शन किया है, आप देख सकते हैं। गाइस, इसका हम सीरीज कनेक्शन करेंगे, आप देख सकते हैं, ये जो है इसका माइनस है, माइनस ये है और ये प्लस है, तो माइनस और इसका प्लस। कुछ इस तरीके से अब हमको आउटपुट गाइस, इसका आप कनेक्शन देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से है। ये ट्रांसफार्मर का जो वायर है वो कोई सा भी जोड़ सकते हैं, चाहे इसको इसमें या इसको इसमें, और ये प्लस है जो लिखा है, ये प्लस, कुछ इस तरह से इसका वायरिंग होता है। गाइस, ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके परचेस कर सकते हैं। ऑनलाइन खरीदेंगे तो ज़्यादा रेट पड़ेगा, मैं ऑफलाइन खरीदा तो मुझको 140 रुपये का पड़ा है। ये दो वायर जो बचा है उसको हमने इसको प्लस, ये जो है प्लस, और इसमें इसमें माइनस, आप
देख सकते हैं इसका वायरिंग कुछ इस तरीके से है। गाइस इसके एम्पियर चेक करने के लिए मैं 220 वोल्ट एसी में इसको डायरेक्ट दे रहा हूं, और यहां जो आउटपुट मिलेगा हमको 12 वोल्ट और 120 एम्पियर के आसपास मिलेगा, क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर है, ये जो दोनों ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर हमको 6 वोल्ट और 50 एम्पियर एक ट्रांसफार्मर, और दूसरे से भी 6 वोल्ट और 50 एम्पियर मिलता है। तो दोनों को मिला के हमको फाइनली 120 एम्पियर मिल जा रहा है, और 6-6 12 वोल्ट मिल जा रहा है आराम से। चलिए इसका हम आपको दिखा देते हैं कि एम्पियर कितना प्रोड्यूस करता है। गाइस हमारा जो मीटर है इसको चेक करते करते ख़राब हो गया है, इसीलिए हम मीटर का उपयोग नहीं कर रहे हैं। मेरा मीटर साइड में पड़ा हुआ है और चेक करते ही मीटर ख़राब हो गया है। चलिए मैं 220 वोल्ट में इसको दे रहा हूँ। चलिए गाइस इसको हम चेक कर दे रहे हैं। ये जो टाइल्स का टुकड़ा है और इसमें एक पत्ती लेंगे और पत्ती को मेल्ट करा के दिखाएंगे कि ये कितना एम्पियर प्रोड्यूस करता है। ओ गाइस आप देख सकते हैं कि पत्ती जो है कितना रेट होता जा रहा है, आप देख सकते हैं। इसका एक ट्रांसफार्मर जो है वो 6 वोल्ट और 50 एम्पियर के आसपास आउटपुट दे देता है। चलिए एक प्लेट को मेल्ट करा के दिखा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं गाइस कि कितना ज़्यादा मेल्ट हो जा रहा है, बहुत हाई एम्पियर प्रोड्यूस करता है, एक 50 एम्पियर के आसपास करता है। हमने तोल लिया है, वो गाइस आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ये पूरा मेल्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। वो गाइस आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ये पूरा मेल्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। गाइस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक कीजिए, अगर ऐसे वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूं दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।